जय हिंद। यूपी स्पेशल का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पार्ट टू है, पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं। इतना ही क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें भी कुछ और क्वेश्चन होंगे, फिर से उसको लिख के एक ही वीडियो में डाल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। कब? 1866 में। ये 1866 में पहले आगरा हुआ था, पहले कहाँ हुआ था? आगरा हुआ था। 1866 में पहले आगरा हुआ था, 1866 में पहले आगरा हुआ था, फिर 1869 में, 3 साल बाद 1869 में प्रयागराज कर दिया गया था। 1869 में प्रयागराज कर दिया गया था, और ये तीन साल के बाद प्रयागराज हो गया। तब से ये प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है प्रयागराज है, और इसका एक खंडपीठ भी है, प्रयागराज का एक खंडपीठ है लखनऊ। तो लखनऊ का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। लखनऊ का जो खंडपीठ है, खंडपीठ लखनऊ का उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय लखनऊ है, उसका स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में सीबीआई कोर्ट, उत्तर प्रदेश में सीबीआई कोर्ट कहाँ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट है। कहाँ कहाँ है? लखनऊ और गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायालयों की जो अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 160 हो सकती है। अभी यूपी का जो उच्च न्यायालय है प्रयागराज, उसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 160 हो सकती है। ये जो न्यायालय है प्रयागराज न्यायालय, ये विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यायाधीश प्रयागराज न्यायालय में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन है? तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा है। अच्छा, आगरा है तो आगरा पागलखाना भी है, मतलब यूपी का जो पागलखाना, जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पागलखाना हॉस्पिटल, वो आगरा में ही है। अच्छा, पागलखाना से याद आया, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है, पता नहीं भगवान दिमाग देते हैं नहीं। वो हुआ क्या था, एक जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे गोंडा में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे यूपी पुलिस का, तो वहाँ कुछ लड़कियाँ भी आई थी जो हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज होना है, तो ठीक एक दिन पहले अंगूठे में हाथ में पूरे लीपा पोती करके चली आई थी मेहंदी लगा के, और जब वो गई थी थंब लगाने तो उनका थंब उठाया ही नहीं, अंगूठा उठाया ही नहीं। अब रीज़न क्या था, अंगूठा मतलब मेहंदी लगाई थी वो था या कुछ और था ये तो नहीं पता है, लेकिन तीनों का कॉमन चीज़ एक ही था कि तीनों मेहंदी लगाई हुई थी एक दिन पहले। अब तीनों का जब अंगूठा नहीं उठाया तो आँखों से गंगा जमुना बहाना शुरू हो गया। तो हुआ क्या कि वहाँ के जो सीनियर थे वो कहे कि ये एप्लीकेशन ये लीजिए, फॉर्म इस पे भर दीजिए नाम और जमा कर दीजिए, बाद में फिर से आ जाएगा। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना हो या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराना हो तो लिपा पोती करना ज़रूरी नहीं है। लिपा पोती करके जाइएगा तो फिर वही होगा, आँख से गंगा जमुना बहाना शुरू हो जाएगा। नौकरियाँ मिला रहेगा तो ज़िंदगी भर लिपा पोती करना है, नौकरी मिल जाए उसके बाद से ज़िंदगी भर लिपा पोती कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाए तो आप पूरा लिपा पोती करके जाए, इसके इस बात का ध्यान रखिएगा। अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। गन्ना होता क्या है कि जब जैसे है गन्ना है, बोए हैं आप, गन्ना काटिए और ले जाके कहीं मिल पे दे दीजिए, मिल तो थोड़ा लेट करता है, एक करेसर होता है हमारे गाँव में, तो करेसर ही होता है, कलुआर बोलते हैं, जहाँ मिठ्ठा बनता है, ले जाइए दीजिए और तुरंत पैसा मिल जाएगा। बाकी गेहूँ है या फिर कुछ और, इसको रख भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन गन्ना एकदम नकदी फसल है, ले जाइए दीजिए, गिराइए और पैसा लेके आ जाइए। सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में कहाँ होता है? तो कुशीनगर में होता है। वैसे तो चीनी का मतलब कटोरा, यूपी का चीनी का कटोरा देवरिया है, लेकिन अब देवरिया नहीं रहा, कुशीनगर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी कुशीनगर में होता है। गन्ना भी सबसे ज़्यादा कुशीनगर में होता है, और केला भी सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे ज़्यादा केला कुशीनगर में होता है, इस बात को याद रखिएगा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किस भाग में होता है? तो पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता है। कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है, ये रामगंगा नदी पर है, और ये 1978 में तो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 128 मीटर है। रामगंगा बांध जो है इसकी ऊंचाई 128 मीटर है।
माता टीला बांध कहाँ स्थित है? तो माता टीला बांध झांसी में है, माता टीला बांध झांसी में स्थित है और बेतवा नदी पर, कहाँ पे है? तो बेतवा नदी पर है। ये 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 में। और इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा, 46 मीटर है। प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा है, नरौरा में स्थित है। ये बुलंदशहर में, बुलंदशहर जिला जो है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ये हुआ कब था? तो 1504 में हुआ था। कब हुआ था? 1504 में इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। तो लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने। और अंतिम शासक कौन था लोदी वंश का? ये इतिहास में पढ़ेंगे आप। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर से 1526 में 21 अप्रैल डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 21 अप्रैल 1526 में जब युद्ध हुआ था पानीपत का, उस समय बाबर इसको, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और ये लोदी वंश खत्म हो गया। तब से मुगल वंश शुरू हो गया। कब से? 1526 से। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है, जो सबसे प्रदूषित है। यमुना नदी मतलब गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? यमुना। ये भी याद रखिएगा कि गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, कौन है? तो यमुना है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रदेश में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है? नलकूप से होता है। पाकिस्तान अगर पूछ दे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है, तो नहर से होता है। और अपने यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होता है। नलकूप मतलब पंपिंग सेट। एक बार हुआ क्या था कि पंपिंग सेट चला रहे थे, एक व्यक्ति चालू कर रहा था, हमारे गांव में पंपिंग सेट चालू कर रहा था, अचानक से हैंडल छूट गया, चालू हो गया पंपिंग सेट और हैंडल निकला ही नहीं, हैंडल उसी में रह गया। अब सभी लोग भागने लगे और फिर बाद में कोई मतलब सामने से नहीं बल्कि पीछे से आके एक व्यक्ति इसको बंद किया, तब जाके वो हैंडल निकाला गया। नहीं तो उससे खतरा हो सकता है कि हैंडल अगर तेज नाच रहा है, छूट गया, किसी को लग गया, तो ज़्यादा ही चोट लग जाएगा उससे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। एक क्वेश्चन छूट गया, ऊपर का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति थारू जनजाति है, तो वो तराई क्षेत्र में रहते हैं, सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में रहते हैं। और तराई क्षेत्र कहाँ से? यूपी में, यूपी का जो उधर पश्चिमी यूपी का जो सहारनपुर जिला है वहाँ से, और पूरब का सबसे पूर्वी जिला जो है, वैसे तो बलिया है पूर्वी जिला, लेकिन नेपाल के सटे जो क्षेत्र है सहारनपुर से लेकर कुशीनगर जिला तक, वो तराई क्षेत्र में आता है। जो सहारनपुर से पश्चिमी यूपी का सहारनपुर जिला है वहाँ से लेकर, और पूर्वी यूपी का जो कुशीनगर जिला है वहाँ का जो क्षेत्र है लगभग 34 किलोमीटर लंबाई में, नेपाल से सटे, और इधर अपने बाकी पूर्वी जो जो पश्चिम दक्षिण की तरफ जो पड़ता है उत्तर प्रदेश, उधर का क्षेत्र 34 किलोमीटर तक का एरिया ऐसे जाएगा, तो तराई क्षेत्र पड़ता है। भारत की पहली फिल्म आलम आरा का निर्देशक बीपी मिश्रा कहाँ के थे? तो ऐसा माना जाता है कि भारत का जो पहला फिल्म था आलम आरा, जो 1931 में बना था, उसके निर्देशक बीपी मिश्रा देवरिया का रहने वाले थे। देवरिया जो यूपी का एक जिला है, देवरिया, वो वहाँ के रहने वाले थे बीपी मिश्रा। पशुधन की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा दूध भी यहीं पे होता है, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और सबसे ज़्यादा पशु उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल में बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी गाया जाता है। बारिश के मौसम में कजरी गाया जाता है। हमारे गांव में भी होता है कि मतलब 5-6 जैसे 10-12 औरतें होती हैं, 5-6 औरतें एक तरफ हो जाती हैं, ऐसे हाथ जुड़ा के एक में ऐसे हो गया हाथ, फिर इधर से 3-4 औरतें इधर मिलके, 3-4 इधर मिलके, मतलब 5-6 औरतें एक तरफ हो जाती हैं, फिर साइड से सामने आमने सामने मुँह करके ऐसे हाथ जुड़ा लेती हैं। और जो औरतें गाना गाती हैं, जिस साइड की औरतें गाना गाती हैं, वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ती हैं, और फिर उधर की जब गाना गाती उस साइड की, तो वो आगे की तरफ बढ़ती हैं और ये औरतें पीछे जाती हैं। फिर यही होता है, जब फिर इधर की औरतें गाना गाती हैं तो ऐसे हाथ जुड़ाए रहती हैं, आगे बढ़ती हैं, और फिर उधर की जब गाना गाती हैं तो फिर वैसे वो आगे बढ़ती हैं और इधर की औरतें पीछे जाती हैं। हम अपने गांव में देखे हैं, अधिकतर हमेशा होता है बरसात के मौसम में ये गाते हैं। तो कजरी जो है ये पूर्वांचल में बारिश के मौसम में गाया जाता है, हमारे गाँव में भी ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे अधिक, गोरखपुर जिले में सबसे अधिक बारिश होती है। और सबसे कम, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में सबसे कम बारिश होती है।
पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुआ था। कब? 1974 में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। और एक और है वीर बहादुर नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, इसमें हम गए हुए हैं। तो इसमें तो पहले तो बताएंगे कि गोरखपुर का स्टेशन पे जाइए, फिर स्टेशन से आप आइए तारामंडल आइए, फिर यहाँ से तारामंडल कहाँ है, ऐसे पहले शुरू में ये बताते हैं, फिर नक्षत्र के बारे में बताते हैं। और एक और है उत्तर प्रदेश का, एक आर्यभट्ट नाम से, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो रामपुर में है, ये डिजिटल लेजर द्वारा इसमें प्रदर्शन किया जाता है, जो भी मतलब दिखाया जाता है नक्षत्र के बारे में डिजिटल लेजर के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, वन लाइनर भी कह लीजिए, और यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत लाभदायक होंगे। जय हिंद।